यमुना जी तो कारे कारे राधे राधे रे राधा तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो भाई लोग आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। तो पहले वृंदावन में हम बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और फिर प्रेम मंदिर जाएंगे। ये हमारा प्लान था लेकिन हमने इसे चेंज कर दिया है। बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और हमें किसी ने बताया यहाँ पे एक निधि वन है, तो बांके बिहारी के बाद हम निधि वन जाएंगे। तो भाई सुबह के बज रहे 6 और हम जा रहे हैं अभी फिलहाल बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो अभी चलते फिर। भूपेश तो पता हमेशा होगा वही है जो भगवान चाह रहे हैं। जैसे भाई देख, हम एक सप्ताह से कहना में छतरपुर मंदिर जाने की सोच रहे, वह न जा पाए और हमारा वृंदावन जाने का कोई प्लान न हो, फिर भी आगे बात तो सही है। भाई बांके बिहारी के दर्शन हो चुके और भाई मैंने जब पहली बार जो मूर्ति देखी ना श्री कृष्ण जी की, मेरे पास कोई शब्द ना हो कि मैं उनकी जो तारीफ कर सकूं। तो बांके बिहारी के दर्शन कर लिए और अभी जा रहे हैं राधा बल्लभ मंदिर। ठीक है भाई? ठीक है। तो भाई क्या है ना भूपेश, जो बरबर में प्लान है चेंज करो। पहले हमारा जो टूर हो सिर्फ दो मंदिर हो, एक प्रेम मंदिर और एक हो बांके बिहारी मंदिर। तो रास्ते में भाई पता चली राधा बल्लम और एक क्या नाम है निधि वन। तो हमने सोची कि लगे हाथ इन्हें भी देख लेते क्या जा रहा है कुछ भी। भाई दो वक्त का वीडियो बनानी पड़ रही है। कौन ले जा रहे भूपेश? हाँ कहा निधि वन है। ठीक है हाँ, कैसा भाई पता कृष्ण जी रासलीला करे। हाँ, कृष्ण जी ने ना देख सके तो उनकी स्थान देख सके जहाँ वो मिले, ठीक है उन्हें महसूस तो कर सके। तो अभी भाई क्या ना निधि वन चल रहे, हम जाएंगे और भाई देखेंगे वहाँ को क्या सीन है। पैसे मैं जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बड़ी तुलसी देख रहा हूँ और इनका तो मुझे नाम भी नहीं पता। तो भाई क्या ना निधि वन के भी दर्शन हो गए। बस अभी तक हम 3 मंदिर घूमे आए प्लान के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा कौन से मंदिर में मजा आया भाई? 3 मंदिर में मजा आया और बहुत मजा आया। इतना भाई सोच जितना मतलब बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे मजा आया, एक सुकून मिला अलग सा। तो भाई हमारे लिए इतने गर्व की बात है, आज जो अपने श्री कृष्ण जो अपने खुद के भगवान है वो उनमें आज भी वास करते हैं। ठीक है उन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो भाई किसी है निराश हो रही है, हताश हो रही है, कोई राह ना दिख रही, तो आप जरूरी ना हो कि कैची आश्रम जाओ। आप एक ऐसे धाम जाओ जो आप सबसे अच्छा लगे और जहाँ जाके आपका मन शांत हो जाए, जैसे हम वृंदावन आए हैं। भूपेश है जिसने भी प्रेम मंदिर बनाया हो ना, वहाँ एक बात बोली, जो भी वृंदावन आएगा ना वो प्रेम मंदिर में वहाँ आना ही पड़ेगा। अब देख ला हम जब तक इंतजार कर रहे हैं ना, दोपहर 1 बजे से बाढ़ देख रहे हैं और भाई अब बज चुके 3:30, अभी भी जो प्रेम मंदिर खुला नहीं है। और भाई मतलब जब थे ना धूप में ही कहीं पार्क में टाइम काटते डोल रहे। अभी हम प्रेम मंदिर थे ना 50 मीटर की दूरी पे, अभी प्रेम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, है ना। वहाँ जाके देखेंगे क्या माहौल बन रहा है उनका, कब खुलेगा कब ना खुले। वैसे तो 4:30 को टाइम दे रहा था उनने, 4 घंटा धूप में मरने के बाद फाइनली जो मंदिर में हम आ गए हैं। भाई मंदिर है इतना गजब, भाई कसम क्या देखते रहे, सभी थकान मिटी भाई।
चलो और अभी अंदर की तरफ चलो। तो ये मंदिर है ना भाई, यहाँ जो मूर्ति रख रखी है ऐसे लग रही है रियल इंसानों का भाई, कसम ऐसे लग रही है रियल, बिल्कुल रियल हो भाई। अब मंदिर पे तो कृष्ण जी के पूरी जीवा के बारे में लिख रहा था भैया, कृष्ण जी के बचपन तक लेकर बुढ़ापे तक की सब डिटेल यार। जो है मंदिर में मूर्तियों के बारे में और यहाँ मंदिर के बारे में कहा बोलू, वो कोई डिक्शनरी दे जहाँ मैं इतना शब्द ढूंढू अपने बोलने के लिए भाई, कोई शब्द ही ना है यार, बढ़िया बोलूंगा मतलब बोलने लायक कुछ है ही ना, खुद ही देखो तुम। अरे कहना क्या चाहते हो, उनने कही है यार भाई, उन्हें सही कही है, जो बंदा बनाएगा प्रेम मंदिर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा भाई, बहुत तगड़ा चीज है। बेसरे हम कितने खुश नसीब है जो हम पलवल के भाई, सही कह रहा हूँ, देखियो हमारे पलवल से ज्यादा दूर न, और हम 100 रुपए किराया लिए और गए लागे पहुँच गए भाई, इतना मस्त मतलब चार्ज गेम पे घूमता और चार्ज, और किसी है तो ये पता है कि प्रेम मंदिर कहाँ चीज है भैया, आओ घूमो मजे लो, जेठ का महीना चल रहा है। तो श्री कृष्ण तरह से उठा लेगा है, कभी एक पाप का पत्थर भी ना उठे तो पे यहाँ इन्हें एक सिस्टम लगा रहा हूँ, जाते ना पौनी पे सीन चले तो अभी वो बंद कर रहा हो, क्योंकि रात में दीख है तो रात में चलावे वा, तो अभी बंद कर रहा हूँ उन्हें। क्या है ना जितना बाहर से सुंदर है ना इतना भीतर से सुंदर है, पर भीतर जो कैमरा अलाउड ना कर रहा है इनने हमारा भाई, सॉरी हम आप भीतर से दिखा सकते, कोशिश करेंगे जो तक जोड़ सकते। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। चोरी चुपके अंदर से वीडियो तो बना ली, और भाई मेरा दिल घबरा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड ने टोक दिया एकदम, वीडियो बना देना फोन अंदर रखवा लिया, पर जितनी भी बनी आप देख लो बहुत अच्छा भी इधर, बहुत कुछ कहे तो भी थोड़ा सीन है भाई, मैंने कहा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आप यार चीज वीडियो में देखियो, आप वीडियो पूरी वॉच करियो जब आप यह सीन देख पाओगे। तो भाई हमारा टूर हो चुका है कम्प्लीट, और भाई हमने पूरे मजे काटे, और अब जा रहे हम घर, क्योंकि हम कल शाम के आए हुए थे यहाँ पे, और भाई ब्लॉग हो चुका है कम्प्लीट। और भाई जो भी चीज आप अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, और लाइक और चैनल सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।